क्लास एट में एक्सरसाइज 1.1 के पहले, ठीक है, ट्राई दिस पेज नंबर 9 का, सीबीएसई एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो ट्राई दिस का पेज नंबर 9 में जो ट्राई दिस दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग को हमको कंप्लीट करना है। क्या है फॉलोइंग में, एसोसिएटिव फॉर, ठीक है, यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को चेक करने का है हमको। किस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हमको ये बताने का, चेक करके बताने का है कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव फॉर एडिशन है या नहीं है, रेशनल नंबर एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन है या नहीं है, और एसोसिएटिव का होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, कि एसोसिएटिव में यदि हमने 1/2, यदि हम 1/2, 1/3 और 1/5, तीन, चूंकि रेशनल नंबर के लिए हमको चेक करना है इसलिए हमने तीन रेशनल नंबर 1/2, 1/3 और 1/5 ले लिया, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या चेक करना है, कि यदि एडिशन के लिए चेक करना है तो हमने ये प्लस किया, हमको चेक सिर्फ यही करना है कि जो पहले दो को यदि हम ऐड करके तीसरे के साथ ऐड करें तो जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू सेम टू सेम नंबर के साथ यदि हम करें और दूसरे दो वैल्यू को ऐड करके फिर पहले वैल्यू में यदि हम ऐड करें तो सेम टू सेम वैल्यू आएगा क्या, सिर्फ ये चेक करना है। या फिर ऐसा बोलिए कि पहले बाद का दो ले लेते हैं, बाद का दो ले लेते हैं, कि पहला छोड़ दिया, दोनों को ऐड कर दिया, बाद में इसके साथ ऐड किया, इसको बाहर कर दिया, इसको बाद में किया, और इसमें क्या किया कि इन दोनों को पहले ही कर दिया, तो वैल्यू सेम टू सेम आता है क्या। इसको सब के लिए चेक करना है, इसको सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे कि माइनस लगा देंगे, लेकिन जो कोष्टक है, स्मॉल कोष्टक है, उसको पहले बाद के दो में लेंगे और बाद में पहले के दो में लेंगे और फिर चेक करेंगे कि वैल्यू हमारा, यदि वैल्यू सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं हाँ एसोसिएटिव है। यानी हमेशा वैल्यू, चाहे आप पहले किसी भी दो नंबर का आप कैलकुलेशन करके फिर तीसरे नंबर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम टू सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई के लिए, वही डिवीजन के लिए। और यही सारे चीज हमको इंटीजर के लिए करने हैं, यानी सिर्फ नंबर्स के लिए भी करना है, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर के लिए देख लेते हैं वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, चेक करते हैं तो 1/2 प्लस यहां क्या हो जाएगा 15, 3 5 15 5 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, यहां पे क्या हो गया 6 आ गया, 2 3 6 3 2 6 ओके, प्लस क्या हो गया 1/5 आ गया, आया तो वैल्यू क्या हो गया 1/2 प्लस 8 15 हो गया यहां पे, ठीक है, इधर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इधर का हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 5/6 प्लस 1/5 हो गया। अब दोनों को हम करते हैं तो ये 30 आ जाएगा, 15 प्लस 8 यानी 23/30, कितना वैल्यू आया 23/30, इसमें वैल्यू कितना आया 6 5 30, एलसीएम निकालेंगे 30 हो जाएगा और 25 प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो गया 31/30, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है लगता है, 3 5 15 5 हो गया, 5 3 3 हो गया, 8/15 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है हमारा, तो 5 3 8 8/15 और 30, तो 2 2 15 जा आया, 15 1 15 और 15 2 30 और 2 8 16, यानी यहाँ पे कितना आएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 31/30। कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो पूरा का पूरा आंसर हमारा गलत आएगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी 31/30 आया और यहाँ भी 31/30
30 आया, इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर जो है एडिशन के लिए क्या है, एडिशन के लिए क्या है, एसोसिएटिव है। रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एडिशन के लिए ये क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब हमको इसी को माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है, तो माइनस के लिए कीजिए, यहां पे सिर्फ माइनस रख दीजिए, यहां भी माइनस रख दीजिए, यहां भी माइनस रख दीजिए और यहां भी माइनस रख दीजिए। ठीक है, आप चाहे किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू आपका भी दोनों टाइम में बराबर ही आएगा, चेक करने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, फायदा ही होगा। ठीक है, तो यहां माइनस रख दीजिए, यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, 2/15। ओके, और यहां क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/5। ठीक है, अब नीचे के लिए कैलकुलेट हम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, नीचे के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2/5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 जा 15 माइनस 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 कितना हो गया, 11/30। इसका कितना हो जाएगा, 36 5 जा 5 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, -1/30। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल अलग है, ये 11/30 है, ये -1/30 है, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन ये नहीं है। अब हमको मल्टीप्लाई के लिए चेक करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए चेक कीजिए, मल्टीप्लाई के लिए चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये वैल्यू है, सेम टू सेम है, इनटू यहां पे हमने इनटू रखा। ठीक है, यहां पे हमने इनटू रखा और यहां पे हमने इनटू रखा। ठीक है, तो वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 1/2 इंटू 111 और 3 5 जा 15, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा, 1/30। माइनस भी रख के देखेंगे तो देख लीजिए, कहीं भी एक माइनस रखेंगे तो माइनस का वैल्यू आ जाएगा, इसमें भी माइनस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हमने हमको सिर्फ कोष्टक की हुई चेंज करना है, यानी पहले आगे के दो वैल्यू को का हमको सॉल्यूशन करना है और उसके साथ फिर फर्स्ट वाले नंबर को, और सेकेंड पार्ट में पहले वाले दो को सॉल्व कर लेना है और बाद में फिर अगले वाले को। ठीक है, तो 1/30 आया, इसमें क्या है, 1/6 इंटू 1/5, वैल्यू कितना हो गया, 1/30। हर एक कंडीशन में वैल्यू जो है 1/30 आ रहा है, यानी एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब डिवीजन को हमको चेक करना है, तो यहां पे आप डिवीजन डालिए, यहां पे डिवीजन डालिए। ठीक है, और इधर के लिए भी डिवीजन का यूज कीजिए। ठीक है, तो डिवीजन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आप देखिए क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। ठीक है, 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 5/1 हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा ये, और इसका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/1 हो जाएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा और डिवाइड बाय 1/5, जो ये है बाहर का, अब इसको छोड़ देते हैं, यहाँ जो फर्स्ट वाला है इसको अभी छोड़ देते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय 5/3 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/5 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो गया, 3/10, एक वैल्यू 3/10 आ गया, दूसरा वैल्यू कितना आएगा, 3/2 होगा डिवाइड बाय 1/5 होगा। ठीक है, इक्वल टू 3/2 इंटू 5/1, वैल्यू कितना आ गया, 15/2। वैल्यू हर एक कंडीशन में अलग अलग, दोनों कंडीशन में, इसमें 3/10 आया है, इसमें 15/2 आया है, वैल्यू अलग आया है, इसका मतलब है कि डिवीजन के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, डिवीजन के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है, तो पहला यस, दूसरा नो, फिर यस, फिर नो। ठीक है,
अब इंटीजर्स के लिए आप चेक कीजिए, इंटीजर्स के लिए चेक कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5, 6 और -4, तीन हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है, 5, 6 और -4 के लिए। तो पहले क्या करना है, हमको एडिशन करना है, तो एडिशन कर दीजिए। ये एडिशन किया और हमने क्या किया था, पहले बाद वाले में को स्मॉल कोष्टक में और दूसरे में पहले वाले को स्मॉल कोष्टक में, इसको आप अंदर कर दीजिए, ठीक है। यदि चाहे तो आप बड़े कोष्टक का भी यूज, बिग कोष्टक का भी यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 + 6 + -4 कितना हो जाएगा, इसको आप बड़ा कोष्टक ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो इसका आपको पहले करना है 6 + -4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 प्लस क्या हुआ, -4 हो गया। वैल्यू कितना आया, 5 और 2 7, और इसका वैल्यू कितना आया, 7। दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, ये क्या है, यस है, दोनों ही कंडीशन में यस है, दोनों कंडीशन में सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अभी माइनस के लिए हम चेक करते हैं, तो माइनस के लिए यहाँ पे सिर्फ माइनस डाल देते हैं, यहाँ माइनस डाल देते हैं, यहाँ माइनस डाल देते हैं और यहाँ भी माइनस डाल देते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 5 - 6 - -4 तो कितना हो गया, 6 + 4 = 10 हो गया, ठीक है। और यहां कितना हो गया, 5 - 6 = -1 और -4, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो गया, -5 इधर हो गया और इधर कितना हो गया, -, प्लस हो गया, तो -, प्लस हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, -1 + 4 = 3। ये वैल्यू -5 आया और वो वैल्यू क्या आया, वो वैल्यू क्या आया, 3 आया, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, यस मूव में नीचे कर देता हूं, क्या है, पहला यस है और दूसरा क्या है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, 2, 3 और -4 लीजिए, ठीक है, 2, 3 और -4 लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, पहले 2 का और यहां पे, यहां बाद के 2 का, वहां पहले 2 का, ठीक है। तो 2 × कितना हो गया, -12 हो गया, -24 हो गया, इधर का वैल्यू आ गया, उधर का 6 × -4 हो गया, 2 × 3 = 6, वैल्यू कितना आ गया, -24, दोनों -24 है, यानी क्या होगा, यस, क्या होगा, यस, ठीक है। अच्छा, अब हमको किसके लिए करना है, डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए एक बार कीजिए आप, 2 / 3 / -4, ठीक है, इसको लीजिए पहले, ठीक है, और 2 / 3, नंबर सेम टू सेम लेना है, वो ध्यान रखिएगा, दोनों जगह में नंबर सेम टू सेम रहे, क्योंकि हमको सिर्फ प्रोसेस इस तरह से करना है कि पहले बाद वाले का करें और दूसरे जगह में पहले वाले करें, और वैल्यू यदि सेम आता है तो एसोसिएटिव है, नहीं तो नहीं है। ये प्रॉपर्टी इसको ही बताता है कि वही नंबर का डिवीजन करेंगे और हमारा पहले प्रोसेस बाद के 2 का करेंगे और बाद में फिर पहले वाले के साथ कर देंगे, और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, पहले 2 का प्रोसेस करके फिर बाद वाले के साथ करेंगे, तो वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 2 / क्या हो जाएगा, 3 / -4, यानी -3/4, ओके, -3/4 लिख सकते हैं, और ये कितना है, 2/3 / 2/3 हो गया, -4, ओके, वैल्यू क्या हो गया, 2 × -4/3, -2 ऊपर नीचे चला जाता है,
बराबर माइनस एट बाई थ्री आया, माइनस एट बाई थ्री आया आया। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन बाय माइनस वन बाय फोर हो जाएगा, टू बाय थ्री इंटू कितना हो जाएगा, टू बाय थ्री माइनस फोर का वन बाय माइनस फोर हो जाएगा, तो टू बाय माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, यानी वन बाय माइनस सिक्स हो जाएगा। तो माइनस एट बाय थ्री और टू बाय ट्वेल्व सेम है क्या, सेम नहीं है, दोनों अलग है। यदि कटिंग भी करेंगे तो वन बाय सिक्स आएगा, तो वन बाय सिक्स भी सेम तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर जो है एसोसिएटिव फॉर डिवीजन नहीं है, नो। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और होल नंबर के साथ ये सारे काम सिर्फ इसमें क्या है, माइनस साइन नहीं लगाना है, होल नंबर के साथ करना है, यानी जीरो का जरूरत है तो जीरो भी आप यूज कर लीजिए, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, तो आपका एडिशन के लिए यस आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नो आएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए यस आएगा और डिवीजन के लिए नो आएगा। ठीक है, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में भी सेम टू सेम आएगा, क्योंकि इंटीजर जैसा जैसा व्यवहार करता है, जैसा वर्क करता है, सेम टू सेम लगभग नेचुरल नंबर और होल नंबर भी करता है। ठीक है, तो पेज नंबर नाइन का ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए चेक आप एक एक करके, क्योंकि इंटीजर के लिए मैंने चेक करके आपको बता दिया, सिर्फ उसमें माइनस नहीं लगाना है। टू थ्री फोर लिया था तो टू थ्री और फोर आपको लेना है, इसमें टू भी प्लस में, थ्री भी प्लस में और फोर भी प्लस में। ठीक है, उसके लिए प्लस का चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा करके फिर माइनस का चेक कर लीजिएगा, दो अलग अलग रखिए, टू थ्री फोर यहां भी रखिएगा, दो थ्री फोर यहां भी रखिएगा, और फिर चेक कर लीजिएगा, वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो एडिशन के लिए यस होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नो होगा, और मल्टीप्लीकेशन के लिए यस और डिवीजन के लिए नो, सेम टू सेम नेचुरल नंबर के लिए भी होगा। तो पेज नंबर नाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है।